Hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC, and in today's video of current affairs we are going to talk about the Blue Dot Network. Yes guys, Blue Dot Network ke baare mein hum baat karenge, jo ki ek initiative hai currently launched by the Japan, USA and Australia. Tino countries ne milke is initiative ko start kiya hai. इसमें हम बातें करेंगे कि कौन सी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसकी यूनिकनेस है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये चाइना के अगेंस्ट है. एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि इसे चाइना का डोमिनेंस कम करने के लिए बनाया गया है, तो इस पर भी हम बात करेंगे. और इंडिया के पास इस पर क्या ऑप्शंस हैं, इंडिया किस तरह से इस नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या इंडिया इसको ज्वाइन कर सकता है, इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे. तो इस टॉपिक का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके रेलेवेंस को जान लेते हैं. हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएएस प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से हम बात करें, तो बिल्कुल इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके फीचर क्या हैं, या इसका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है. एंड अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं गाइज, तो मेंस के अंदर जीएस का जो आपका सेकेंड पेपर है, जीएस पेपर टू में, जिसमें पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन में यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पुट हो सकता है. और इनडायरेक्टली अगर इंडो चाइना की बात होती है या इंडो पैसिफिक रीजन की बात होती है, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आने वाले काफ़ी लंबे समय तक न्यूज़ में रहने वाला है गाइज. ब्लू डॉट नेटवर्क जो है काफ़ी लंबे समय तक न्यूज़ में रहने वाला है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और हम देखेंगे कि आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स हैं, वो न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलेंगे. दैट्स व्हाई गाइस, पे अटेंशन एंड वॉच द वीडियो टू द लास्ट. एंड बिफोर वी बिगिन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ राहुल भरद्वाज. आई हैव 3+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव अपीयर्ड इन UPSC एंड RAS इंटरव्यूज़ एंड आई एम ऑल्सो को फाउंडर ऑफ GS रिपोर्टर मैगजीन गाइज. And for all those students who are planning to give their civil service examination, जो कि घर से अपनी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. दिस इज़ द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म गाइज. अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 80+ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, लाइव पढ़ाते हैं, लाइव आपकी क्लासेस होंगी और यहाँ पर आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी रहेंगी. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ दैट कि आपको यहाँ पर जो मॉक टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाते हैं. दीज मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी क्रूशियल गाइज. बिना मॉक टेस्ट के आप एग्ज़ाम में जाने की गलती नहीं करें. बिना मॉक टेस्ट के आपकी तैयारी जो है कम्प्लीट नहीं होती है. दैट्स वाई यू शुड गो फॉर द मॉक्स एंड दैट्स वाई दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू लर्न द UPSC CSE ऑनलाइन गाइज. यहाँ पर आपको इंटरेक्शन मिलता है एजुकेटर से, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पोल्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो विदाउट डिले गाइस, गो फॉर द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड चूज द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सेक्शन. एंड हियर यू कैन गो फॉर द 1 year सब्सक्रिप्शन. इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर 2020 एग्जाम, देन चूज द 12-month सब्सक्रिप्शन एंड यूज माई कोड LIVERB, Live RB. जब आप ये कोड यूज़ करेंगे, योर अमाउंट विल रिड्यूस बाई 10% गाइज. एंड यू कैन गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन द वेबसाइट ऑल्सो. हियर वी हैव ऑल्सो 2 year कोर्स जो कि 2021 के लिए प्लान कर रहे हैं. दोज हु आर प्लानिंग फॉर 2021, दे कैन गो फॉर 2 year सब्सक्रिप्शन एंड अगेन दे कैन यूज़ माई कोड LIVERB एंड देयर अमाउंट विल रिड्यूस बाई 10% गाइज. सो लेट्स कम टू द टॉपिक विच इज़ द ब्लू डॉट नेटवर्क. ब्लू डॉट नेटवर्क की हम बात कर रहे थे, तो ब्लू डॉट नेटवर्क की हम बात करते हैं. तो इसमें जो ये काफ़ी रिसेंट इनिशिएटिव है, जैसे कि हमने बात की थी, इसे नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया है, तो अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं. सो ये एक रिसेंट इनिशिएटिव है एंड जैसा कि हमने बात की थी कि ये USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव है. ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ कि जो इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज इन्वॉल्व्ड हैं, एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं वो कौन सी हैं, यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि USA की OPIC, जिसे हम कहते हैं ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जापान का जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC यहाँ पर इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया का जो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड. ये 3 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि यहाँ पर इस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व है. तो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन जनरेट हो सकता है
क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ब्लू डॉट नेटवर्क. सो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों एजेंसीज यहाँ पर इन्वॉल्व है. अब हम बात करते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं. देखिए ब्लू डॉट नेटवर्क है, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, किस लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है. तो ये इनिशिएटिव है, इसका पर्पस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. यस गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एक ग्लोबल लेवल पर एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क जो है कमिटेड है. और ये किस तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है इस बारे में भी इसमें कुछ बताया गया है. एक्चुअली जो ये इनिशिएटिव है इसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं. ऐसा नहीं है कि जो तीन कंट्रीज हैं इन तीनों की गवर्नमेंट ही यहाँ पर इन्वॉल्व है. यहाँ पर आपके जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है. सिविल सोसाइटीज़ भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं. तो इस तरह से ये जो इनिशिएटिव है इसमें काफ़ी सारे जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव है. इंक्लूसिव का मतलब होता है कि आप सभी को साथ लेके चल रहे हैं. इंक्लूसिव का उल्टा होता है एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव कब होता है, जब इसमें केवल गवर्नमेंट ही होती, कोई भी एक ही जो है पार्टी होती. लेकिन ये इंक्लूसिव है क्योंकि यहाँ पे सभी जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल किया गया है, उनको इंक्लूड किया गया है. इंक्लूसिव होने से इसका क्या रिलेशन होगा, इंक्लूसिव होने से ये ओपन रहेगा. ओपन है, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है. इंक्लूसिव और ओपन होने से इसका जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का इसके ऊपर, ठीक है. इसलिए इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे. ओके, अब हम बात करते हैं कि ये बेसिकली जो है करता क्या है. ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से ये जो है एक तरह की रेटिंग मैकेनिज्म है. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, उनको रेट करेगा. जैसा कि आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल जब हम जाते हैं होटल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये 3-स्टार होटल है, ठीक है. कोई 5-स्टार होटल होता है, तो 3-स्टार होटल, 5-स्टार होटल, ये क्या है, एक तरह की रेटिंग है. ओके, इस रेटिंग से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 3-स्टार होटल है तो इसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, 5-स्टार होटल है तो यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी. तो इस तरह से हमें एक आइडिया लग जाता है इसकी रेटिंग से. तो इसी तरह की एक जो रेटिंग है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए रेटिंग मैकेनिज्म यहाँ पे डिवाइस किया गया है ब्लू डॉट नेटवर्क के हेल्प से. तो ये रेटिंग मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है ये हम देखेंगे. ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रेट करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में. गाइस, इंडो पैसिफिक रीजन, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है. तो रेटिंग मैकेनिज्म है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा उसको ये रेटिंग करेगा, ठीक है. कहेगा कि ये 3-स्टार प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये 5-स्टार प्रोजेक्ट है, कोई 2-स्टार प्रोजेक्ट है. इस तरह की रेटिंग की जाएंगी और उसके बेसिस पर जो भी प्लेयर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ 2-स्टार प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. 5-स्टार प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. तो क्या क्या जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा ब्लू डॉट नेटवर्क में, ठीक है. कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा जिसकी हेल्प से आप रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है. तो इसमें जो मेजरली काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, हमें उनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो पैरामीटर्स हैं वो किस किस से रिलेटेड हैं. एनवायरमेंट से, ठीक है. इसके अलावा लेबर रिलेटेड लॉज हैं, उनसे रिलेटेड हैं. और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी. यस गाइस, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. जब भी ब्लू डॉट नेटवर्क किसी भी प्रोजेक्ट को रेट करेगा तो यहाँ पर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को देखा जाएगा. फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब होगा कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो वहाँ से जो रेवेन्यू है वो आ रहा है या नहीं आएगा. अगर वहाँ से रेवेन्यू आएगा तो हम कहेंगे कि ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल है. अगर उस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है. तो इस तरह से प्रोजेक्ट की रेटिंग से हमें पता चल जाएगा कि कोई प्रोजेक्ट जो भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट है, पोर्ट है, जो भी बन रहा है, तो बनने के बाद वहाँ से हमारे को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सीधी सी बात यह है कि उसको बनने के बाद वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा. तो उसके बेसिस पर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में जाएगी, उसके बेसिस पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है. गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर डाल सकते हैं.
और उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि इसे यूएस ने मिचेलिन गाइड कहा है, मिचेलिन गाइड फॉर रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन एशिया। मिचेलिन गाइड होती है एक तरह की, अगर आपने देखा होगा दिल्ली जैसे बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पे आपने रेस्टोरेंट्स के बाहर देखा होगा कि 1 स्टार मिचेलिन है, 2 स्टार मिचेलिन है। तो मिचेलिन गाइड एक तरह की रेटिंग मैकेनिज्म है जो कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको रेट करता है। तो इसी तरह से ये मिचेलिन गाइड का काम करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे जो दूसरा पार्ट है। ये सब हमने देख लिया कि किस तरह से ब्लू डॉट नेटवर्क जो है एक फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और कैसे ये एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इसमें फॉलो किए जाएंगे, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है, ओपन इंक्लूसिव है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स और सभी जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सभी इंक्लूड हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे जो कि गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज योर मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि जो ब्लू डॉट नेटवर्क है ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। चाइना का जो डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, हमने देखा था इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है, तो उस रीजन में जो चाइना ने अपना डोमिनेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है। किस तरह से इंक्रीज किया है हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस डोमिनेंस को एक तरह से कंपटीशन देने के लिए या कहें डोमिनेंस को कम करने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क को लाया गया, ऐसा जो है एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो चाइना का डोमिनेंस है, चाइना ने डोमिनेंस क्रिएट किया है अपना बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी क्या है, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का इनिशिएटिव है, जिसे कि OBOR भी कहते हैं, पहले वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता था लेकिन अब इसका नाम BRI कर दिया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। अगेन इसका जो गोल है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एम क्या है BRI का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो यहाँ पर हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी कि जो ब्लू डॉट नेटवर्क है उसका जो पर्पस है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और यहाँ पे BRI का जो पर्पस है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो जब दोनों के जो गोल हैं वो सेम हो गए हैं तो दोनों एक दूसरे के ऑटोमेटिकली कंपिटिटर हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे रहते हैं कॉलोनी में, वहाँ पे आपके नेबरहुड में कोई एक बंदा है वो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और आप भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन आपका दोनों का गोल क्या है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करना। तो आप दोनों क्या हो गए, कंपिटिटर हो गए। तो इसलिए जो BRI है और जो ब्लू डॉट नेटवर्क है दोनों का, बिकॉज दोनों का जो क्या है गोल जो है सेम है, दैट्स वाई एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट द BDN और द ब्लू डॉट नेटवर्क इज अ कंपिटिटर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ब्लू डॉट नेटवर्क है उससे जो चाइनीज़ डोमिनेंस है ग्लोबल अफेयर्स में वो बढ़ रहा है और एक चाइना सेंट्रिक ट्रेडिंग नेटवर्क जो है क्रिएट हो रहा है। अब ब्लू जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको हम एक बार, इसीलिए जो नीड है, इसीलिए एक इस तरह की नीड क्रिएट हुई कि ब्लू डॉट नेटवर्क जैसा इनिशिएटिव लिया जाए और जो चाइना जिस तरह से अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है, ठीक है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की उससे जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करते हुए उसको कम किया जाए। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, US है, ये सभी जो है एक विज़न जो है कॉमन विज़न शेयर करते हैं, ये क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है सिक्योर रहे और वहाँ पे फ्री ट्रेड रहे, उस रीजन के अंदर जो है फ्री ट्रेड रहे, ऐसा नहीं है किसी एक कंट्री की वहाँ पर डोमिनेंस हो जाए, कि उसकी दादागिरी हो जाए और कुछ भी वो कुछ भी करके कहीं पे भी रोक सकता है किसी को, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक स्मूथ वे में जो है चीज़ें चलनी चाहिए, पूरा रीजन सिक्योर रहना चाहिए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए रीजन में। तो इसी वजह से चाइना के जो डोमिनेंस बढ़ रहा है, इसी वजह से उसको काउंटर करने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क लाया गया। ओके, तो अब जो क्वेश्चन आता है मेंस में भी इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या वाकई में सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो किस हद तक, हाउ फार इट कैन कम्पीट विथ चाइनाज डोमिनेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो क्या ये वाकई में सॉल्यूशन है, इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो सबसे अच्छी चीज़ है जो ब्लू डॉट नेटवर्क के माध्यम से सामने आ रही है वो ये है कि ये BRI प्रोजेक्ट को किस तरह से कंपटीशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन के थ्रू। यस गाइस, इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इंफॉर्मेशन, ये एक जो इंफॉर्मेशन रहेगी उसको पब्लिक डोमेन में देगा। किस तरह की इंफॉर्मेशन रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रेटिंग होगी,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 स्टार एक को रेटिंग दी है, ठीक है, सेकेंड प्रोजेक्ट है उसको 5 स्टार रेटिंग दी है, और सभी लोगों को ये पता है कि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसकी 2 स्टार रेटिंग है, सेकेंड प्रोजेक्ट है इसकी 5 स्टार रेटिंग है, तो अगर गवर्नमेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो लोगों का प्रेशर रहेगा, वो कहेंगे गवर्नमेंट को कि आप है ना 5 स्टार वाले में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से कुछ है ना पैसा आने की संभावना है, ये एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर आपको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी या ऐसे कहें कि अपना देश बेचना पड़ेगा। तो एक तरह से ये सॉफ्ट पावर का यूज़ हो रहा है गाइस। सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं, ये देखिए फॉरेन रिलेशन की जब भी बात आती है तो सॉफ्ट पावर वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन को इन्फ्लुएंस करना या कंट्री को इन्फ्लुएंस करना बिना किसी डायरेक्ट पावर के, ठीक है। हार्ड पावर होगी, जैसे कि आपने मिलिट्री का यूज़ किया तो ये है यहाँ पे हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर में क्या होगा कि आपने कल्चर के थ्रू, ठीक है, या फिर आपने इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपने उसी कंट्री को इन्फ्लुएंस किया है, तो वो सॉफ्ट पावर है। और सॉफ्ट पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज फार एज द फॉरेन रिलेशंस आर कंसर्न, ठीक है। तो ये एक तरह की सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रहा है और ये डेट ट्रैप से प्रिवेंट कर रहा है कंट्रीज़ को, ठीक है। और ये लिमिटेशंस हाईलाइट कर रहा है, किसकी लिमिटेशंस हाईलाइट कर रहा है, BRI की। किस तरह से कि आपको लोन तो मिल जाएगा, आराम से पैसा मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन आप बाद में उसके एक ट्रैप में फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यही सबसे बड़ा इसका अभी कह सकते हैं कि हथियार है ब्लू डॉट नेटवर्क के पास में। और ये जो इनिशिएटिव है जैसा हमने बात की थी, ट्रांसपेरेंट है, इंक्लूसिव है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या ब्लू डॉट नेटवर्क सॉल्यूशन है, इसका आंसर जानने के लिए हमें इसकी लिमिटेशंस को भी जानना पड़ेगा। जब तक हमें इसकी लिमिटेशंस नहीं पता होंगी तब तक हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते क्या ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो एक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है वो कह लीजिए कि ये है कि जो इसमें स्टैंडर्ड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल कि प्रोजेक्ट्स को रेट किया जा रहा है, किसी प्रोजेक्ट को 5 स्टार दे दिया, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट को 2 स्टार दे दिया, तो ये जो रेटिंग के लिए स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं ये ग्लोबल स्टैंडर्ड कैसे होंगे, क्योंकि इनको 3 ही कंट्रीज़ जो हैं फॉलो कर रहे हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और USA, तो 3 कंट्री मिलकर स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, ठीक है, और उनको आप कह रहे हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड होगा। तो हो सकता है इस पर एक कंसेंसस ना बने, एक आम सहमति नहीं बने कंट्रीज़ में कि नहीं ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। और सेकंड बहुत बड़ी चीज़ ये है कि ये जो है फाइनेंस नहीं कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, मतलब BRI प्रोजेक्ट क्या कर रहा था, हमने देखा था कि ये लोन प्रोवाइड करा रहा था, ईजी लोन दे रहा था, ठीक है। जैसा कि श्रीलंका के केस में हमने देखा कि हम्बनटोटा पोर्ट में 85% फाइनेंसिंग हुई थी चाइना की जो है, तो ये इजी लोन दे रहा है BRI, लेकिन यहाँ पर जो ब्लू डॉट नेटवर्क है ये कोई भी लोन दे नहीं रहा है एट प्रेजेंट, ये फाइनेंसिंग नहीं कर रहा है। फ्यूचर में हो सकता है स्टार्ट की जाए, तो एट प्रेजेंट फाइनेंसिंग नहीं है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और क्योंकि ये जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो रिसेंटली आई मीन 3 ही महीने हुए हैं इसे लॉन्च हुए, तो ये एक रिसेंट इनिशिएटिव है, इसलिए वेरी फ्यू डिटेल्स आर नॉन अबाउट द प्रोजेक्ट। यस गाइस, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि अभी हमें जानना ज़रूरी है लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो बहुत इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, एक कह लीजिए कि इशू है। तो हमने इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी देख ली, ठीक है, इसके साथ इश्यूज़ भी देख लिया। अब हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि एनालाइज करिए कि कहाँ तक ये सक्सेसफुल हो सकता है, कहाँ तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, तो हम एक अपना ओपिनियन जो है इंडिपेंडेंट ओपिनियन हम बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट आपका जो ओपिनियन होगा दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन एंड स्पेशली इन इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमने इसका इस तरह से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवरेज किया है कि आप अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन बना सकते हैं कि ये नेटवर्क जो है किस तरह से चाइना के डोमिनेंस को कम कर सकता है, कितना दूर तक ये जा सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस, जैसे कि प्रिलिम्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक हम फटाफट से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और एजेंसी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिसेंटली लॉन्च्ड ब्लू डॉट नेटवर्क। रिसेंटली लॉन्च्ड ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में ये क्वेश्चन है, और अभी UPSC के हम पास्ट ईयर के पेपर्स देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं गाइज,
सो बी अवेयर एंड अलर्ट कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें चार ऑप्शन हैं आपको दिया गया है, यूएस का ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, और जापान भी यहाँ पर है, बैंक ऑफ, और ये भी है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कि मेंस में अगर क्वेश्चन पुट होता है तो किस तरह से हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है आपका, हाउ फार ब्लू डॉट नेटवर्क कैन काउंटर चाइनाज डोमिनेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन एनालाइज। तो इस क्वेश्चन में आप किस तरह से करेंगे, आपको सबसे पहले ब्लू डॉट नेटवर्क को इंट्रो में बताना होगा कि द ब्लू डॉट नेटवर्क इज अ जॉइंटली लॉन्च्ड इनिशिएटिव ऑफ यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया विथ एम टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडो पैसिफिक रीजन। फिर आपको बताना होगा कि चाइना का डोमिनेंस कैसे है, BRI को आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स पुट करने होंगे गाइस, आर्ग्यूमेंट्स आपको पुट करने होंगे कि किस तरह से जो ब्लू डॉट नेटवर्क है ये कर सकता है, क्योंकि किस तरह से मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो बतानी है। और फिर आपको इसकी लिमिटेशन देनी होगी कि ये फाइनेंसिंग नहीं कर रहा है, और ये सभी चीज़ें बतानी होंगी। और लास्ट में आपको एक कंक्लूज़न देना होगा जो कि बैलेंस होना चाहिए। कंक्लूज़न में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस तरह के आंसर लिख रहे हैं कि बिल्कुल ब्लू डॉट नेटवर्क आया है और अब चाइना की मतलब जो डोमिनेंस है एकदम ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से। तो ऐसा नहीं करना है। ब्लू डॉट नेटवर्क जैसा कि हमने बात की, एक रिसेंट इनिशिएटिव है, अभी इतनी डिटेल्स नहीं है। तो इट इज़ अबाउट, लेट्स सी कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि किस तरह से ये प्रोग्रेस करता है, तभी चीज़ें सामने आएगी। तो आपको एक बैलेंस ओपिनियन दे के अपना क्वेश्चन जो है ख़त्म करना है। ये क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं कि किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी ये जो है इम्पैक्ट कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लू डॉट नेटवर्क गाइज, हमने इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर टू गेट मोर सच वीडियोज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगेन, आपको जो प्लस का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए। अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपना अटैम्प्ट दे रहे हैं 2020 और 21 के लिए, then you can go for the plus platform and use my code LIVERB and your amount will reduce by 10%. So that's it for today, and thanks for watching.